हेलो गाइज, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम फिटिंग टूल से संबंधित वीडियो देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शीट मेटल में प्रयोग हो रहे औजार की किस्म यानी उसके टाइप के बारे में इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, जो कि विभिन्न थ्रेड के लिए यह उपयोगी वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट जो होती है वो मेजरिंग टूल, यानी कि मापने के लिए जिस औजार का हम प्रयोग करते हैं उसे मेजरिंग टूल कहते हैं। इस टूल के अंतर्गत कई तरह के टूल आते हैं, आइए एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट होती है स्टील टेप और स्टील रूल। यह जो होती है लकड़ी तथा धातु की बनी होती है। यह जिस मटेरियल की बनी होती है उसी मटेरियल पर उसके किनारे में चिन्ह निशान अंकित कर दिए जाते हैं। यह कई प्रकार से होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए तीसरा यानी कि वायर गेज के बारे में जानते हैं। वायर गेज जो होती है यह एक स्टील का बना हुआ मेजरिंग टूल होती है। इसकी परिधि पर भिन्न भिन्न माप के खांचे कटे होते हैं, जिनकी एक ओर नंबर तथा दूसरी ओर व्यास mm यानी माइक्रोमीटर में होती है। इस पर जो मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं, 0 से 36 तक अंकित किए जाते हैं, तो उन्हें हम वायर गेज कहते हैं। स्टील स्क्वायर जो होती है यह भी एक प्रकार का मेजरिंग टूल होती है, जिसका प्रयोग हम शीट मेटल पर प्रयोग कर रहे औजार को मापने के लिए करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो ये हम लोग मेजरिंग टूल के बारे में जाने। अब आइए हम काम करते समय पकड़ने के लिए जिस औजार का प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे, यानी कि वर्क होल्डिंग टूल्स। वर्क होल्डिंग टूल्स के अंतर्गत भाइस आती है। भाइस जो होती है कार्यशाला में विभिन्न तरह के कार्य करने के लिए अर्थात जॉब को पकड़ने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे हम भाइस कहते हैं, या इसे अन्य एक नाम से जाना जाता है, वर्क होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, यह कई प्रकार से होती है। फर्स्ट जो है बेंच वॉइस, सेकेंड होती है पाइप वॉइस, थर्ड होती है मशीन वॉइस, फोर्थ होती है लेग वॉइस, फिफ्थ होती है हैंड वॉइस, सिक्स्थ होती है पिन वॉइस। इसके अलावा भी कई प्रकार के वॉइस होते हैं। इस प्रकार जो वॉइस हुआ उसका उपयोग हम कार्य के आधार पर करते हैं कि हमें किस तरह के कार्य के लिए किस तरह का वॉइस का प्रयोग करनी है। यदि इसका विस्तार पूर्वक वीडियो चाहिए केवल वॉइस पर तो आप लोग ज़रूरी से कमेंट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट यानी मार्किंग टूल। जो मार्किंग टूल के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। डिवाइडर यानी कंपास। डिवाइडर जो होती है यह एक प्रकार का भी मेजरिंग टूल होती है, जिनकी दो टांगे होती हैं। इसके सिरे नुकेले यानी तेज धार के होती हैं। यह जो टूल होती है हाई कार्बन स्टील का बनी होती है। तो हम लोग डिवाइडर और कंपास के बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट यानी कि हम लोग सुराख करने वाले टूल्स के बारे में जानते हैं, जिसकी सहायता से हम हॉल कर सकते हैं, यानी कि इसे हॉल टूल के नाम से भी जाना जाता है। यह कई प्रकार से होता है, सॉलिड पंच, पिन पंच, हॉलो पंच, ड्रिल, पोर्टेबल ड्रिल मशीन आदि इनके उदाहरण हैं। अब आइए थोड़ा सा हम पंच के बारे में जान लेते हैं कि पंच क्या होती है। पंच का उपयोग जॉब के तलों पर खींची गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ड्रिलिंग करने के लिए, केंद्र पर निशान गहरा करने के लिए, सुराख डालने तथा पिन आदि को ठोकने तथा बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पंच जो होता है कई प्रकार से होता है, जैसे सेंटर पंच, डॉट पंच, फ्रिंग पंच, ऑटोमेटिक पंच इनके उदाहरण हैं। तो इसमें अधिक जो टूल है होल करने के लिए अधिकतर जो है वो पंच और ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल भी कई प्रकार के होल किए जाते हैं ड्रिल के द्वारा, तो यह भी कई प्रकार से होती है। तो यह जो टूल है यह सब
जो भी टूल हैं वो हॉल टूल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम किसी भी मेटल में अगर सुराख यानी कि होल करना है तो इस टूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट यानी कि हम कटिंग टूल के बारे में जानते हैं। कटिंग टूल के द्वारा हम किसी भी जॉब को काटने तथा अतिरिक्त वर्क पीस से मटेरियल को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब भाई थोड़ा सा फाइल के बारे में जान लेते हैं। तो फाइल जो होती है एक ऐसा औजार होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वर्क पीस को अतिरिक्त मटेरियल को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी वर्क पीस से अतिरिक्त मटेरियल को हटाने के लिए उसी वर्क पीस के ऊपर इसे रगड़ा या घिसा जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं यह फाइल है, उसके कई पार्ट हैं और अधिकतर जो फाइल होती है रेती होती है, वह कार्बन स्टील की बनी होती है। फाइल कई प्रकार से होती है, उसका वर्गीकरण लंबाई के आधार पर तथा आकृति के आधार पर की जाती है। तो एक कटिंग टूल के अंतर्गत फाइल आती है, इसी की तरह एक हैंड हैक्सा होती है, लेकिन इसका जो बनावट होती है रेती से थोड़ा सा अलग होती है। जो हैंड हैक्सा होती है रेती का ही एक रूप होती है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। तो हम लोग कटिंग टूल के बारे में जाने, रेती और हैंड हैक्सा। अब आइए नेक्स्ट कटिंग टूल यानी कि चीजल के बारे में जानते हैं। चीजल यानी कि छेनी। छेनी जो होती है इसका उपयोग हम धातु को छीलने तथा काटने के लिए प्रयोग करते हैं। यह जो होती है वह ऊंच कार्बन स्टील के बनी होती है। सभी प्रकार की छेनी जो होती है ऑक्टागोनल तथा हेक्सागोनल में होती है। छेनी कई प्रकार से होती है, इसका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के छेनी के प्रयोग करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट यानी कि चोट लगाने वाले या चोट मारने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम स्ट्राइकिंग टूल कहते हैं। इस टूल के अंतर्गत हैमर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, मैलेट, एनिविल, स्वेज ब्लॉक। ठीक है भाई, थोड़ा सा हम लोग हैमर के बारे में जान लेते हैं। हैमर जो होती है वर्कशॉप में तथा दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हम इसका प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही कॉमन औजार होता है। इसका प्रयोग हम फोर्जिंग, चिपिंग, रिवेटिंग, मार्किंग तथा कील ठोकने तथा निकालने के लिए तथा टेढ़े मेढ़े जॉब को सीधा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं इसके कई पार्ट होते हैं और इसके कई प्रकार भी होती हैं। तो इसका वर्गीकरण अलग अलग साइज के अनुसार किया जाता है तथा अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। तो हम लोग हैमर के बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसे हम रिवेटिंग टूल के नाम से जानते हैं उसके बारे में जानते हैं। रिवेटिंग टूल मुख्यतः दो प्रकार से होती है, रिवीट स्नैप और रिवीट डॉली। तो ये शीट मेटल में प्रयोग होने वाले टूल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमिंग टूल्स। सीमिंग टूल्स के अंतर्गत हैंड ग्रूवर आते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था दोस्तों शीट मेटल में प्रयोग होने वाले औजारों के टाइप्स के बारे में। तो इस वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग जिसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगला किस टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।